हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली की जो शेप है वो एक स्क्वायर जैसी बनती हुई नजर आ रही है। एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप की हथेली है इनकी, और काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहने वाली है। और फिंगर्स जो है यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही हैं। शॉर्ट फिंगर्स होने की वजह से व्यक्ति काफी जल्दबाज होते हैं, डिसीजंस लेने में जल्दबाजी कर लेते हैं। कई बार आप देख सकते हैं फिंगर्स का साइज, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं इनकी फिंगर्स को इनकी हथेली की लंबाई के साथ, तो आपको काफ़ी शॉर्ट नज़र आएंगी। काफ़ी जल्दबाज होते हैं और इसी वजह से कई बार अपने नुकसान भी कर बैठते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा आपको नज़र आएगा थिकनेस, फिंगर्स की थिकनेस काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी और स्टैमिना रहेगा इनके अंदर। और लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो मर्करी फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। मर्करी फिंगर यहाँ पर इनके सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमन इनके भीतर रहने वाला है। और जबकि बाकी की फिंगर्स को देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई, जिसकी वजह से फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी रहती है, नॉलेज गेन करने में अड़चनें आती हैं और लीडरशिप क्वालिटीज में कमी रहती है अगर बृहस्पति फिंगर शॉर्ट हो। सूर्य फिंगर यहाँ पर एवरेज है, अच्छा सोशल सर्कल रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी। और शनि फिंगर को देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग शनि फिंगर इनके हाथ में नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, और एक स्ट्रांग शनि फिंगर जिसकी वजह से काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर आपको बिल्कुल सीधी और बारीक लाइनें, खड़ी लाइनें नजर आ रही होंगी, कुछ इस तरह की लाइंस यहाँ पर नजर आ रही हैं इनके हाथ में, जो शो करती हैं फ्रेंडली नेचर को। यहाँ पर काफी फ्रेंडली नेचर इनकी रहने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो इनकी मर्करी फिंगर है और जो बाकी की तीनों फिंगर्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता हुआ। इस तरह का गैप जब भी क्रिएट होता है तो व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, तो इस तरह की नेचर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स क्या क्या बताते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा जिससे हम देख सकें कि कौन सा माउंट हाई सेट है और कौन सा लो सेट है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट होता नजर नहीं आ रहा। अगर देखा जाए तो गुरु माउंट को स्पेस थोड़ी कम मिल पा रही है, गुरु फिंगर भी थोड़ी शॉर्ट थी, बाकी के माउंट्स यहाँ पर काफी अच्छी स्पेस में नजर आ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं वन बाई वन सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट पर प्रोग्रेस लाइन पहुंचती हुई, जिसकी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस जो है निरंतर बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी प्रोग्रेस करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन बनता हुआ, कंप्लीट जो गुरु वल्या होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, अर्ध चंद्रमा की तरह। अगर ऐसे किसी के हाथ में बनता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत सम्मान पाते हैं समाज में और काफी ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट गुरु वल्या तो नहीं बन रहा, कुछ इस साइज का गुरु बोलिया, लेकिन इसका प्रभाव रहेगा नॉलेज गेन करने में, और खास तौर पर स्पिरिचुअल नॉलेज, धार्मिक नॉलेज जो है वो ये गेन कर पाएंगे। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी धर्म के प्रति इनका झुकाव भी बढ़ता जाएगा, और यह किसी धार्मिक संस्था को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें इन्हें काफी अच्छा पद मिल सकता है, यानी रुतबा मिल सकता है, और जिसकी वजह से इन्हें काफी मान सम्मान मिल सकता है। गुरु वल्या चाहे वो पार्शियल ही क्यों ना हो, इसके अपने काफी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ओवरऑल उभरा हुआ गुरु माउंट है जो यहाँ पर नॉलेज के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए अच्छा है। फैमिली लाइफ यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है अगर गुरु माउंट थोड़ा स्पेस में कम हो और फिंगर का साइज, गुरु फिंगर का साइज भी थोड़ा शॉर्ट हो। चलिए आगे देखते हैं शनि माउंट को। तो यहाँ पर गुरु माउंट के मुकाबले शनि काफी वीक नजर आ रहे हैं, और शनि रेखा को अगर देखा जाए
तो आपको यहां पर नजर आएगा एक शनि रेखा जो चंद्र एरिया से ऊपर की तरफ उठती हुई, जो यहां पर फॉरेन ट्रेवल्स का एरिया कहा जाता है, कुछ इस तरह से चलती हुई रेखा इनके हाथ में, और तीन हिस्सों में बढ़ती हुई शनि रेखा। बीच बीच में लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, और सबसे पहले जो स्ट्रगल है लगभग 33 के आसपास की एज में, और 33 से लेकर 36 की एज तक इन्हें स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 60 के आसपास की एज में फिर से थोड़ी स्ट्रगल नजर आ रही है। ओवरऑल लाइफ अच्छी रहेगी, और जो इनकी फेट लाइन यहाँ पर शेप बना रही है चंद्र एरिया से निकलती होने के कारण, विदेश यात्राएं रहेंगी, विदेश से धन आने के चांसेस बढ़ते हैं, इनकम जो है काफी अच्छी रहती है। ओवरऑल थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में रहने वाली है, अप्स एंड डाउन्स का भी इन्हें सामना करना पड़ सकता है। आगे आप देख सकते हैं सूर्य माउंट को, तो यहाँ पर सूर्य माउंट हल्का दबता हुआ, लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सूर्य रेखा को, यहां से शुरू होती है सूर्य रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई। बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा तो नहीं है, लेकिन सूर्य रेखा का मौजूद होना अपने आप में ही काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है, अच्छे बड़े लोगों के साथ व्यक्ति का उठना बैठना रहता है, सोशल सर्कल अच्छा रहता है, और नेम एंड फेम मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी कमजोर सूर्य रेखा है, लेकिन नेम एंड फेम यह इनको जरूर दिलवाएगी, और लगभग 45 के आसपास की एज, यहाँ से ये एक्टिवेट होती नजर आ रही है, 45 के आसपास की एज से इन्हें काफी अच्छा नेम एंड फेम समाज में मिल सकता है। आगे बात करते हैं मरकरी की, यानी कि बुध। बुध रेखा यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इस तरह की इनकी मरकरी लाइन जो स्ट्रांग है, बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाती है ऐसी रेखा, और जिनके हाथ पर स्ट्रांग मरकरी लाइन मौजूद हो, ऐसे व्यक्ति भले ही बिजनेस ना करें, बिजनेस माइंडेड होते हैं, और किस तरह से प्रॉफिट बनाना है, किस तरह से फाइनेंसिस को मैनेज करना है, अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, मनी माइंडेड होते हैं, और खास तौर पर कैलकुलेशंस में काफी स्ट्रांग होते हैं। तो इनकी मरकरी फिंगर भी काफी अच्छी है, मरकरी लाइन मौजूद है, और मरकरी माउंट भी मुझे यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी प्रोग्रेस ये कर पाएंगे फाइनेंसिस के मामले में। अब देख सकते हैं मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं, एक से ज्यादा रेखाएं इस माउंट पर होना व्यक्ति को सोशल भी बनाता है, ऐसे व्यक्ति सोशल वर्क करने में भी काफी अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल माउंट्स को हमने देखा, अब आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं इनकी जो मेजर लाइंस हैं, बड़ी लाइंस हैं, वो क्या क्या इनके बारे में बतलाती हैं। तो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी इनकी हार्ट लाइन, काफी अच्छे कर्व के साथ शनि माउंट तक ही पहुंचती हुई, एक अच्छा कर्व है, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा केयरिंग नेचर के रहेंगे, और थोड़े मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, क्योंकि यह रेखा जो इनकी हृदय रेखा है शनि माउंट को क्रॉस कर आगे नहीं बढ़ रही, शनि माउंट तक ही पहुंच पा रही है, और जिस वजह से लाइफ में रियलिस्टिक टाइप की लाइफ को ये जिएंगे, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी, थोड़े सेल्फ सेंटर टाइप की पर्सनैलिटी भी हम इसको कह सकते हैं। ओवरऑल काफी अच्छी हृदय रेखा इनकी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही, हार्ट की हेल्थ यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, माइनर इश्यूज यहाँ पर 40s की एज में यह देख सकते हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना इन्हें फिर भी करना पड़ सकता है। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रांग चलती हुई, थोड़ा नीचे की तरफ झुकती हुई, इस तरह की माइंड की लाइन यहाँ पर शार्प माइंडेड पर्सनैलिटी को दर्शा रही है, लेकिन झुकाव होने की वजह से तनाव भी रह सकता है जीवन में, थोड़ी कल्पनाशीलता ज्यादा रह सकती है, और खास तौर पर मिडल एज के बाद इसका झुकाव हो रहा है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ माइंड से रिलेटेड भी नजर नहीं आ रही, जो ऑफशूट यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है गुरु माउंट की तरफ, वो माइंड लाइन से निकलकर भी चलता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी वजह से अपने शार्प माइंड की वजह से यह लाइफ में तरक्की कर पाएंगे। और अगर मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इनका मनी ट्रायंगल पूरी तरह से बंद नहीं है, कुछ इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता हुआ जो यहाँ से जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ खुला नजर आ रहा है, जिस वजह से इनके पास धन आएगा तो बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
मनी ट्रायंगल का खुला होना खर्चों की अधिकता को दर्शाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और जितना भी पैसा इनके पास आता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या खर्च कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस भी इनकी लाइफ में बन सकती हैं। आगे देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ की लाइन यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है और काफी लंबी लाइफ की लाइन और बाहर की तरफ निकलती हुई आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से इनकी लाइफ की लाइन चलती हुई बाहर की तरफ, अगर यही रेखा अंदर की तरफ मुड़ती, यानी कुछ इस तरह से रेखा चलकर अंदर की तरफ चल रही होती तो ऐसे व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहते, लेकिन इनकी रेखा बाहर की तरफ चल रही है। यह इनकी मेन लाइन है जो बाहर आपको नजर आ रही है। अंदर वाली रेखा तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए ड्रॉ की, तो यह इनकी मेन लाइन है, बाहर की तरफ चल रही है जो शो करती है विदेश यात्राएं रहेंगी, फॉरेन में सेटल हो सकते हैं परमानेंटली या लंबा समय तक स्टे कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर फिश का चिन्ह भी बनता हुआ कुछ इस तरह से केतु एरिया के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना शो करता है विदेश यात्राओं को, विदेश में सेटलमेंट को, और साथ ही साथ अचानक धन लाभ के चांसेस भी स्ट्रांग होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनका जो शुक्र माउंट है उभरा हुआ जो यहाँ पर लग्जरीज को शो करता है, हल्की वरी लाइंस मौजूद हैं जो कुछ चिंताएं इनको दे सकते हैं लेकिन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। काफी उभरा हुआ शुक्र माउंट इन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं लाइफ में दिलवाने वाला है, लेकिन यहाँ पर यह एक्सेस भी हो सकती हैं और ज्यादा होने की वजह से इनके खर्चे भी इन सभी चीजों पर, भोग विलास की चीजों के ऊपर हो सकते हैं जिसकी वजह से इनका नुकसान भी हो सकता है। तो जो लग्जरीज हैं, भोग विलास की चीजें हैं, वो इन्हें लाइफ में मिलती रहेंगी लेकिन वो नेगेटिव साइड भी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका शुक्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उभरा हुआ है और चार्ट में भी इनका शुक्र नीच का नजर आ रहा है। तो यहाँ पर शुक्र की तरफ से कुछ नुकसान भी इनके हो सकते हैं। चंद्र एरिया देखा जाए तो काफी अच्छा है, चंद्र एरिया के ऊपर मुझे कोई भी प्रॉब्लमेटिक चिन्ह नजर नहीं आ रहा, एक स्टेबलाइज्ड माइंड यहाँ पर इनका रहने वाला है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।